बिहार में सियासी घमासान का रंग जमने लगा है। रोजगार और विकास के मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार तीन तरफ से हमले झेल रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ एलजेपी के चिराग पासवान भी उनको निशाने पर ले रहे हैं। बिहार के सियासी रण का मैदान सज चुका है। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, एक दूसरे के दावों की बखियां उधेड़ी जा रही हैं। और अपने वादे जोर देकर दोहराए जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज बिहार आगे बढ़ा है। ऐन चुनाव से पहले अपने पिता को खोने वाले चिराग पासवान के हमले नीतीश कुमार पर तीखे होते जा रहे हैं। आरजेडी के साथ नीतीश को अब एलजेपी के भी सीधे हमलों से दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी और जेडीयू आत्मनिर्भर और विकसित बिहार का दम भर रहे हैं। उधर सरकार आने की सूरत में तेजस्वी पहले दस्तखत से 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। बिहार का बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और तेजस्वी इसी पर नीतीश कुमार की सरकार को सबसे ज्यादा घेर रहे हैं। नीतीश कुमार जी यानी कह रहे हैं, हाथ खड़ा कर दिया कि हम रोजगार नहीं दे सकते, हम बिहार में पलायन नहीं रोक सकते, हम बिहार में उद्योग कारखाने नहीं लगा सकते, हम गरीबी नहीं मिटा सकते, हम भुखमरी नहीं मिटा सकते। नीतीश जी आप थक चुके हैं, आपसे बिहार संभालने वाला नहीं। नीतीश के लिए मानो दोहरा मोर्चा खुल गया है। पिता के निधन के बाद उनके दसवीं की रस्में निभा रहे चिराग भी नीतीश को ही निशाने पर लिए हुए हैं। बीजेपी को लेकर उनके तेवर नरम हैं और बीजेपी की बयानबाजी को भी वो नीतीश के इशारे पर की गई बता रहे हैं। निरंतर वन आफ्टर दी अदर बड़े बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री फील करवा रहे हैं कि आप चिराग के खिलाफ बोलिए, आप चिराग के खिलाफ बोलिए। मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस धर्म संकट से मैं मुक्त करता हूं कि मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करें और वो जितना चाहते हैं मेरे खिलाफ आप लोग बोलें। तमाम नेताओं से मैं आग्रह करूंगा खुलकर मेरे खिलाफ बोलें। अगर प्रधानमंत्री जी भी बिहार में जब रैली करते हैं वो भी अगर मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें जरूर करें। बस बेरोजगारी और विकास के साथ साथ बिहार में और मुद्दों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। मसलन बिहार के बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की एक रैली के बीच ही सुशांत सिंह को इंसाफ देने की मांग उठी और जमकर नारे लगे। फडणवीस को इन लोगों को शांत करना पड़ा। बाद में मुंगेर के सांसद को बाकायदा मंच से बताना पड़ा कि सुशांत को आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा। भाई सुशांत तो इस देश का होनहार नौजवान था, बिहार का होनहार नौजवान था और सुशांत के बाद बिहार की सरकार ने उनके माता पिता के आग्रह पर सीबीआई को सुपुर्द किया और केंद्र की सरकार ने उसको स्वीकार करके सीबीआई को उसकी जांच दे दी है, तो सुशांत को तो जस्टिस मिल गया। बिहार की जंग अभी और परवान चढ़ेगी, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला अभी और जोर पकड़ेगा। आखिर ये रण बिहार का है जहां सियासत रग रग में है। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।